हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप लोग नेपाल से हो और आईएमई पे और ई सेवा वॉलेट चलाते हो तो आईएमई पे का पैसा ई सेवा वॉलेट में कैसे लोड करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हम जब भी नई नई वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आईएमई पे ऐप ओपन कर लेता हूँ। आईएमई पे ऐप ओपन होने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले ऊपर देखिए बैलेंस, हमारे वॉलेट में बैलेंस 157 रुपए है। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कार्ड, तो दोस्तों इस कार्ड में क्लिक कर दीजिए। कार्ड में क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों ये कार्ड द्वारा आप लोग पैसा लोड कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले ये कार्ड का डिटेल्स मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद ई सेवा वॉलेट ओपन करके पैसा लोड करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो चलिए फटाफट कॉपी कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने कॉपी कर लिया एटीएम कार्ड का डिटेल्स। तो दोस्तों अब यहां से बैग जाते हैं। बैग जाने के बाद अब ई सेवा वॉलेट में पैसा लोड करके दिखाता हूं आईएमई पे एटीएम कार्ड से। तो दोस्तों यहां पर से बैग चला जाता हूं। बैग आने के बाद दोस्तों यहां पर मैं ई सेवा वॉलेट ओपन कर लेता हूं। ई सेवा वॉलेट ओपन होने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हमारे वॉलेट में 00 बैलेंस है। तो दोस्तों अब यहां पर पैसा लोड करने के लिए यहां पर देख सकते हैं लोड मनी, तो दोस्तों इसी में क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों लोड मनी में क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर कार्ड में क्लिक कर देते हैं। कार्ड में क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर कितना अमाउंट आप लोग लोड करना चाहते हो उतना यहाँ पर इंटर कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको 100 रुपये लोड करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पर्पज सेलेक्ट कर लीजिए, आप लोग यहाँ पर से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर से कोई भी एक सिलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर चेक में क्लिक कर दीजिए। चेक में क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ऊपर करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं लोड अमाउंट 100 रुपये है और चार्ज यहां पर देख सकते हैं 1.75 रुपये लग रहा है। टोटल लोड अमाउंट 98.25 लोड होगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर लोड फंड में क्लिक कर देते हैं। लोड फंड में क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर अपना कार्ड का डिटेल डाल दीजिए और यहां पर एक्सपायरी डेट डाल दीजिए और यहां पर किसका कार्ड है उसका नाम यहां पर डाल दीजिए और यहां पर CVV। तो चलिए ये सब मैं फटाफट डाल लेता हूँ। सारा डिटेल्स डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर ओके में क्लिक कर दीजिए। ओके में क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके मोबाइल में OTP कोड आएगा, वो OTP कोड यहाँ पर डाल दीजिए। तो दोस्तों OTP कोड आ गया, चलिए मैं फटाफट डाल देता हूँ। OTP कोड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड में क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आईएमई पे से 100 रुपये कट गया है और मोबाइल में मैसेज भी आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ई सेवा वॉलेट में आईएमई पे एटीएम कार्ड से पैसा लोड हो गया है। तो दोस्तों अब यहां पर से ओके में क्लिक कर दीजिए। ओके में क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहां पर से हम ई सेवा वॉलेट के होम में जाएंगे। होम में आने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं पहले 00 रुपया था, अभी यहां पर 98.25 हो गया है। तो दोस्तों ई सेवा वॉलेट में आईएमई पे एटीएम कार्ड से इस तरह से बहुत ही आसान तरीका से पैसा लोड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।